क्या स्कूटी का तेल खत्म हो गया? तेल खत्म हो गया धक्का लगा रहा था तो उनके ना फ्रेंड का कॉल आया। पहले मैं सोच रहा था कि रुकूं ना रुकूं, मेरे माइंड में चल रहा था पता है, फोर्स कर दिया मेरे को कि रुक जा भाई। चलो ठीक, चंडीगढ़ में बड़ा किया ये। क्या स्कूटी का तेल खत्म हो गया? तेल खत्म हो गया यार, मिलता नहीं आसपास, दूर हो गए यहाँ से। तो ऐसे चला लोगे आप? तो चला लेंगे यहाँ। क्या मतलब? वैसे लात लगाएगी? हाँ लात लगा के वैसे चल जाएगी, मेरे से तो चल जाएगी। आप चला लोगे? मैं आपको पीछे मैंने लात लगाता हूँ ना, धक्का लगाता हूँ, आप चला लोगे? वैसे चल जाएगी स्कूटी, मैं चला लेना। तो आप पीछे बैठ जाओ, ये चला लेते हैं, मैं धक्का लगा दूंगा ना वहाँ पे, फिर आप अपनी फ्रेंड्स को ले जाना। आप बैठ जाओ ना इसके पीछे, पेट्रोल पंप तक ले चके जाते हैं। आप पैदल पैदल आओ तब तक आपकी हेल्प हो जाएगी ना, आप इधर आओ उसको लेके। तो गाइस यार यहाँ पे ना दो लड़की हैं, वो पेट्रोल ख़त्म हो गया स्कूटी का। बड़ी दूर है बाबा, एक मिनट रुका। ठीक है आप ना ये अपना पैर आगे रखना, लग भी सकता है फिर आपको ना, धक्का दे पटवा नहीं। हाँ हाँ आ जा आगे है पेट्रोल पंप। हाँ, तो है। कितनी दूर जाना पड़ना था आपको पैदल? हाँ हाँ वही है वही है वही है वही है, वहाँ से डिवाइडर नहीं है, यहीं से होगा। सो गाइस सामने है पेट्रोल पंप और आगे से मेरे ख्याल से डिवाइडर है नहीं, तो क्या कर सकते हैं अब, कहाँ से जाएंगे कहाँ से जाएंगे कहाँ से नहीं। अबे डिवाइडर नहीं है आगे है, ओ यार लात थक गई मेरी। एक काम कर अब इसको ऐसे घुमा के वहाँ लगा तभी होगा। हाँ पैदल पैदल चले जाओगे? ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो भाई सामने वो पेट्रोल पंप है और अभी कह रहे हैं कि मैं चली जाऊंगी पेट्रोल रिफिल करवाने, तो बस यार मेरी लात थक गई यार। हो लेट्स गो बड़ी। चलो अच्छी बात है यार, किसी की मदद कर दी, अब तो दिन अच्छा जाना चाहिए। यार पता क्या होता है कभी हम भी फंसते हैं ना, तो हाँ बस सही बात, कोई तो मदद कर। सही बात है सही बात है, जब मैं अपनी पुरानी बाइक में आता था ना पठानकोट, तो एक बार हमारे साथ भी ऐसा ही सीन हुआ था, तो मैंने लिफ्ट वगैरह लेके पता नहीं कैसे पेट्रोल पंप पे पहुंचा और वहाँ जाके मैंने पेट्रोल रिफिल करवाया, तो मेरे को वो वाली याद आ गई, फिर मैंने फटाफट आगे जाके बाइक ही रोक दी, मैंने बोला नहीं यार हेल्प करनी चाहिए। गाइस मदद करके अभी थोड़ा ब्रेक लिया मैंने, क्योंकि मेरे ना शोल्डर में इतनी ज़्यादा पेन हो चुकी है ना, इतनी ज़्यादा पेन हो चुकी है लातों में, फिर वॉशरूम वगैरह भी किया और साथ में अभी अंकुश को दे रहा हूँ मैं बाइक चलाने को, मैंने बोला कि तू ही चला। क्या बात है जी, देखिए मैं उनकी स्कूटी चला रहा था तो दूर धक्का लगा रहा था, तो उनकी ना फ्रेंड का कॉल आया। हाँ वो तो मेरे सामने आया, मैं पता क्या सोच रहा था, मतलब उसकी फ्रेंड ये ना सोच रही हो एक्टिवा भी गई लड़की भी गई तो मोटी चोरी हो गई। लेकिन यार ह्यूमैनिटी है तो हम तो करते हैं भाई मदद, हम आपको हम करते नहीं है। पहले मैं सोच रहा था कि रुकूं ना रुकूं, मेरे माइंड में चल रहा था पता है, फोर्स कर दिया तेरे को कि रुक जा भाई, मेरे माइंड होता है अकेला बंदा पैदल जा रहा हो ना दिक्कत अलग, एक गाड़ी को खींचना बाइक को खींचना बहुत मुश्किल काम होता है, वो भी 1.5 किलोमीटर पेट्रोल पंप हमका, हां 1.5 भी 2, हां 1.5 तो क्रॉस कर ही गए ये टांग ठीक है मैं, हां मेरे ठीक है अब तू चला बाइक, तेरे को एक्सपीरियंस है टांग लगाने का बहुत। चलो ठीक है, चंडीगढ़ में बड़ा किया ये स्किल सही है अभी।